नमस्कार दोस्तों, खबरनामा रणस के स्टूडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आगामी 16 मार्च को कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय गैर शिक्षक कर्मचारी संघ, जो कि कुंटिया के नाम से विख्यात है, उसका चुनाव होने जा रहा है। इस बार कुंटिया के चुनाव में नीलकंठ शर्मा जी, जो चुनाव मैदान में बतौर प्रधान पद के लिए चुनाव मैदान में है, उनके साथ महासचिव पद के लिए जो हमारे साथ रविंदर तोमर जी आज स्टूडियो में मौजूद है, आज हम इनसे जानकारी लेंगे कि ये किन मुद्दों और वादों के साथ चुनाव मैदान में है। नमस्कार नीलकंठ जी। नमस्कार नीलकंठ जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे एमएलए का, एमपी का, एमसी का चुनाव जो है 5 वर्षों के लिए होता है, वही कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में जो 2 संगठन है, चाहे वो कोटा है चाहे कुंटिया है, इनका चुनाव हर वर्ष क्यों होता है? क्या आपको लगता नहीं कि इन्हें टाइम ज्यादा दिया जाना चाहिए, 2 साल का 3 साल का? राजेश जी, जैसे कि शुरू से ही, जैसे हमारे जो जब से हमारा संगठन बना है, ये 1 साल का ही समय पीरियड हमारे सीनियर नेताओं ने रखा, इसका भी एक कारण रहा है। उसमें हमारे को ये लगता है कि जैसे जो कर्मचारी हैं, जो हमारे कर्मचारी जो अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं करते, जो समय पीरियड 365 दिन का जो होता है, जो कार्यकारिणी चुन के आती है, तो उसका समय का काम करने का तरीका या उसके जो वादे कर्मचारियों से करते हैं उनको पूरा करवाने में वो कितना सक्षम रहते हैं, कितना कामयाब होते हैं, उसके बाद ही दोबारा मौका कर्मचारी फैसला करते हैं कि भी ये टीम ठीक है या नहीं है। तो इसलिए वो 1 साल का चुनाव ठीक रहेगा, ज्यादातर अगर 2 साल का हो तो गलत हाथों में भी हमारा संगठन जा सकता है। आपको लगता है कि जो 365 दिन का कार्यकाल है, इसमें अगर मतदाताओं को ये लगता है कि हमारा जो उम्मीदवार हमारे वादों पर खरा उतरा, तो दोबारा उसे मौका, खुद को ठगा हुआ महसूस नहीं, ठगा हुआ महसूस नहीं। नीलकंठ जी, जैसे वर्तमान में कुंटिया के प्रधान है, इस 1 साल में आपने कुंटिया के लिए, उन मतदाताओं के लिए जिन्होंने आपको प्रधान चुना, उन सभी कर्मचारियों के लिए क्या क्या कार्य किए? राजीव जी, उसमें हमने जैसा कि हमारे संगठन की हालात जो बिल्कुल एक प्लेटफार्म से नीचे जो मुकाम पहले था वो नहीं था, और 25 फरवरी को पिछले साल जब चुनाव हुआ, 3 मार्च को हमने शपथ ग्रहण किया और अपना कार्यभार संभाला, तो सबसे पहले हमने अपने कुंटिया को, संगठन को मजबूत करने के लिए काम करने का जो एक कर्मचारियों से वादा किया था, हम उस को कामयाब, उसको मजबूत करने में काफी हद तक कामयाब रहे, और प्रशासन से तालमेल करके जो भी हमारी समस्याएं थी पेंडिंग, जो हमारी प्रमोशन वगैरह जो भी था, हमने वो काम पूरे करवाए हैं उसमें, और प्रशासन से, जैसा कि पहली बार ऐसा हुआ है भाई, जो कार्यकारिणी अब की बार मेरे साथ चुनी गई, उसमें 3-3 कुलपति महोदया के हमने उनसे तालमेल करना पड़ा। पहले कैलाश चंद शर्मा जी रहे, फिर उसके बाद नीता खन्ना जी, भाई चंद्र रहे, तब दोबारा से हमने ये अपना सचदेवा जी, जब कुलपति महोदया, ये हमारे कुलपति महोदया आए हैं, इनसे भी हमने तालमेल करके और कर्मचारियों की जो समस्याएं थी उन्होंने बिल्कुल बखूबी समझा और उनका पूरा करने का भी काम किया है। नीलकंठ जी, वायदों और मुद्दों के साथ आप चुनाव मैदान में उतरे थे, आपको क्या लगता है कि सारे वायदे आपने पिछली बार जो किए थे वो पूरे हो गए या कुछ बाकी भी आने? उनमें देखो राजेश जी, बिल्कुल पूरे वादे जो थे, जो हमारी फाइनेंशियली जो सिस्टम हमारा बिल्कुल था, उसमें मैडम के कार्यकाल में भी काफी पैसा आया और उस सैलरी का जो था वो करवाने के लिए हम कामयाब हुए। जो पेंडिंग हमारे जितने भी अलाउंस थे या जिसके कहते हैं कि भी वो उसके एरियर वगैरह जो थे, सभी हम दिलवाने का काम किया, लेकिन उसमें हमारा एक SFS के जो हमारे कर्मचारी साथी हैं, चाहे टीचिंग नॉन टीचिंग जो भी था, उनका 7th पे का एरियर, और एक जो हमारे स्ट्राइक टाइम में सैलरी कटी हुई थी कर्मचारियों की, उसका भी हमने बिल्कुल प्रशासन से तालमेल करके उनकी मीटिंग कमेटी बनाई गई, कमेटी की मीटिंग होनी थी, लेकिन जैसे कुलपति महोदया बदलते गए तो उनके बाद वो कमेटी मतलब उसका फैसला नहीं करवा पाए हम, लेकिन जैसे ही हमारे नए कुलपति महोदया ज्वाइन किया तो उसके बाद हमने इनसे भी बात की, तो उन्होंने भी हमें ये जो हमारी कटी हुई सैलरी है उसका वापसी करने का वादा किया है, और SFS का जो एरिया है उसका भी वादा किया उन्होंने बिल्कुल भी, जो भी कर्मचारियों की समस्याएं हैं उन्होंने एक बड़ी सूझबूझ से और पॉजिटिव सोच से कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए और विश्वविद्यालय को आगे बढ़ाने के लिए एक जो हमसे वादा किया है, तो हमें उम्मीद है कि भी जो अपने कुलपति महोदय जी की सोच है वो कर्मचारियों के लिए पॉजिटिव रहेगी, और इनकी जल्द ही चुनाव के बाद जैसा भी जो भी परिणाम होगा, ये हम श्योर करते हैं कि भी कटी हुई सैलरी और 7th पे का एरियर जल्द ही रिलीज करवा दिया जाएगा। रविंदर जी, आप चुनाव मैदान में महासचिव पद के लिए हैं, आपके पास वैसे आप पहले कई पदों पर भी रह चुके हैं, जैसे मेरे ख्याल से इसी के 2 बार मेंबर भी रह चुके हैं, कुंटिया के प्रेस सेक्रेटरी भी रह चुके हैं,
तो इस बार जो अपना मुख्य चुनाव एजेंडा है, जो आपने एक ब्रोशर तैयार किया है, वो क्या है आपका, दिखाएंगे जरा कोई, जिसको आप प्रचार प्रसार मतदाताओं के बीच में लेकर जा रहे हैं? धन्यवाद राजेश जी, हमारा अब की बार हमने ये अपना ये निकाला है जी, जिसके अंदर हमने ये अपील की है साथियों से, और ये कुछ हमारी प्राथमिकताएं भी इसमें नोट की हैं जी, जी। ताकि कर्मचारियों को अपना जो हमारी समस्याएं हैं, जो हमारी बिल्कुल ज्वलंत मुद्दे हैं कर्मचारियों तक हम अपनी बात पहुंचा सके, इसलिए हमने एक छोटा सा अपना ये मुख्य प्राथमिकता क्या है जो आप मतदाताओं के बीच में जाके बता रहे हैं? राजेश जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और हमारे दूसरे साथी भी जो मैदान में हैं वो भी एक, मुझको लगता है कि अब मेरे उन्होंने काफी 28, 28, 30, 30 मांगों के लिए घोषणा पत्र निकाला है, जो वो चाहते हैं कि भाई हम 28, 30 मांगे करवा देंगे। पर जैसे कि अभी हमारे नीलकंठ शर्मा जी ने आपको बताया कि कुछ डिमांडें ऐसी हैं जो हमारी कई कई सालों से पेंडिंग पड़ी हैं। हम तो आपको यही बताना चाहेंगे, जैसे आपने हमारे से क्वेश्चन किया है कि सबसे पहली हमारी प्राथमिकता यही है कि संगठन को, जो संगठन ये हमारे बुजुर्गों की देन थी, और जब ये संगठन जो ऑल इंडिया लेवल पर हमारे कुंटिया को की नाम एक पहचान थी, हम उसको मजबूती प्रदान करें और संगठन में इस प्रकार से स्थिति दोबारा से पैदा हो ताकि कोई भी कर्मचारी, किसी की भी कर्मचारी के कोई जो हक हैं उनका हनन ना हो और कर्मचारियों की सभी मांगों को पूरा करवाया जा सके। और उसमें कई प्राथमिकताएं हैं, जैसे अभी शर्मा जी ने भी जिक्र किया कि हमारे 7th पे कमीशन का एरियर लगभग, हमने जब शर्मा जी की पीछे कार्यकाल रहा शर्मा जी का, तो उस टाइम काफ़ी एरियर्स वगैरह जो पेंडिंग थे वो कर्मचारियों को दे दिए गए थे, पर लेकिन कुछ हमारे SFS के साथी हैं जिनका 7th पे कमीशन का एरियर अभी पेंडिंग पड़ा है, हमारी प्राथमिकता ये है कि उन साथियों को भी वो एरियर मिल जाए। और कुछ एक प्रमोशंस जो हमारी काफ़ी समय से पेंडिंग पड़ी हैं और हमारा उसके अंदर सिर्फ यही है कि भाई जो प्रमोशंस विश्वविद्यालय प्रशासन से भी हमारी बातचीत चली हुई है, और आज जिस प्रकार से कोटा के प्रधान रहे हैं हमारे आज रजिस्ट्रार जो बैठे हुए हैं, और बड़े ही एक अच्छे शिक्षक हैं जो हमारे कुलपति महोदय भी हमारे NIT से जो आए हैं, वो भी एक अच्छे सकारात्मक सोच के इंसान हैं, तो हमारा तो सिर्फ यही है कि सकारात्मक सोच से आज प्रशासन भी सकारात्मक है और कुंटिया भी सकारात्मक सोच से जो हमारी कर्मचारियों की मांगें, जैसे वो प्रमोशंस हैं, हमारी शुरू से ही हमारा एक सिस्टम रहा है कि हमारी जो प्रमोशंस हैं वो सीनियरिटी बेसिस पर होती आई हैं, तो हमारा ये प्रयास रहेगा इस बार भी कि हमारी जो प्रमोशंस हैं सीनियरिटी बेस पे ही सारे सभी साथियों के हों, चाहे उसमें हमारे साइंस फैकल्टी के साथी हैं, चाहे हमारे क्लैरिकल कैडर जो हमारे असिस्टेंट ARDR लेवल की जो प्रमोशंस हैं वो सभी सीनियरिटी बेस पे हो, और उसके अंदर एक कदम कुंटिया की तरफ से भी और प्रशासन की तरफ से भी चला हुआ है, और हमें उम्मीद है जो प्राथमिकताएं रखी है वो कोई लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं रखी सर, ऐसा नहीं रखी है जो वो पूरी करवा सकता है। नहीं राजेश जी आपकी बात बिल्कुल सही है कि प्राथमिकताएं तो चाहे हम इसको 30 लिख दें या 35 लिख दें, पर मेरा तो मानना ये है कि एक अच्छे लीडर का वो अभिप्राय होता है कि वो एक तो संगठन की उसके अंदर सोच हो सबसे पहले तो, और संगठन के लिए काम किया जाए। प्राथमिकताएं मांग तो चाहे एक कम भी हो सकती है और एक ज्यादा भी हो सकती है, पर जो कुंटिया का मान सम्मान है जो हमारे कर्मचारियों के हितों के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा संगठन होने के नाते हमारे कर्मचारियों के मान सम्मान की हम सबसे ज्यादा जरूरत महसूस करते हैं, एक तो सबसे पहले तो वो बहाल हो, और जो प्राथमिकताएं हैं जो समस्याएं हैं हमें भली भांति पता है अपने साथियों की, अगर हमारी टीम को अवसर मिलता है तो हमारी पूर्ण रूप से यही कोशिश रहेगी कि जो कर्मचारी हमारे जिन समस्याओं से या जिन जो उनकी मांगे हैं उनको हम ऑटोमेटिक अपने आप से उसको धरातल पे लाके उनको पूरा करवाने का काम करेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि जिस प्रकार से हमारा प्रचार प्रसार चला हुआ है कि हमें कर्मचारी साथी भी हमारे बारे में जरूर एक सकारात्मक सोच से और अपनी इस टीम को विजयी बनाएंगे, और ताकि हम उनकी समस्या का समाधान निदान कर सकें। नीलकंठ जी जैसे भी तोमर जी ने मांगों की बात की, लंबी मांगों की बात चली, तो क्या कहीं लगता है कि गैर शिक्षक कर्मचारियों की कोई वर्षों पुरानी कोई ऐसी भी मांग है जो आपके मन में टीस हो कि मैं इस मांग को, मैं अपने प्रधान बनने के बाद या प्रधान रहते हुए जब थे आप, तो इसको पूरा करने की आपने पूरी कोशिश की और अब भी आपके मन में कि ये मांग मैं जरूर पूरी करवाऊँ? राजेश जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल हमारी एक बहुत लंबे अरसे से जो हमारे सीनियर कर्मचारी नेता रहे हैं उनके समय से, जैसे हमारी जो यूनिवर्सिटी की कार्यकारिणी है उसमें कुंटिया का प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी रिप्रेजेंट इसी में रिप्रेजेंट करे, ये हमारी बहुत लंबे अरसे से ये डिमांड चली हुई है, और हमें विश्वास है कि अब की बार ये शायद जैसा हमारा प्रशासन के साथ तालमेल रहा इस वर्ष इस को हम करवाने में कामयाब रहेंगे। यही मुद्दा लेके सबसे पहले हम कर्मचारियों का मान सम्मान और कुंटिया का मान सम्मान बहाल करवाने का काम, यही मुद्दा लेके हम बीच में आया, और ये हमारा काफ़ी समय से पेंडिंग भी पड़ा है। एक हमारा मुद्दा हो रहा है स्टाफ रेशो का जी, वो पिछले कई सालों से स्टाफ रेशो का जो मुद्दा चला हुआ है, पिछली बार जो सितंबर 2014 में हमारे कक्कड़ जी प्रधान होते थे उसमें रविंदर तोमर जी ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, उस टाइम रामलाल जी जनरल सेक्रेटरी थे, उस टाइम उन्होंने प्राणी स्टाफ रेशो का मतलब लागू करवाने के लिए
ये था कि सरकार कह रही है भी हम नई स्टाफ रेशो लागू करो, लेकिन हमारे संगठन जो हमारा ग्रुप है, चाहे मानसिंह जी के टाइम में रहा, गुप्ता जी के टाइम में रहा, कक्कड़ साहब के टाइम में रहा, वो सिर्फ और सिर्फ प्राणी स्टाफ रेशो की ही मांग की उन्होंने, और प्राणी स्टाफ रेशो लागू होनी चाहिए। इससे हमारे जैसे नई तो सरकार देने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारा मुद्दा यही था कि प्राणी स्टाफ रेशो लागू हो, इसमें हमारा बेनिफिट ये रहा। नई स्टाफ रेशो में हमारे 126 पद, 88 पद हमारे असिस्टेंट के और 36 पद हमारे सुपरिटेंडेंट के हमारे बिल्कुल खत्म होते हैं। उस टाइम की बात थी जब कक्कड़ जी ने भी नेगोशिएशन में सरकार से बात हुई, जब ये 2000 सितंबर 2014 में एक नोटिफिकेशन, एक लेटर आया, लेकिन वो किन्हीं कारणों से मतलब इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लेकिन उसमें ये था भी उनको जो मेरे साथी उसके बाद आए सत्ता में, मतलब मान लें उन्होंने बताया कि सरकार तो हमें नई स्टाफ रेशो देने के लिए तैयार थी, लेकिन हमारा मुद्दा था प्राणी स्टाफ रेशो ताकि हमारी पोस्टें बची रहें जो हमारी बजटेड पोस्टें हैं। उसमें कक्कड़ जी ने भी बहुत प्रयास किए और हमारा भी यही प्रयास है, पिछले बार भी रहा, लेकिन पिछली बार क्या था इसी में इसको नई स्टाफ रेशो को लागू करने के लिए इसी के अंदर एजेंडे में आइटम बढ़ा के ले गए, लेकिन हमने प्रशासन से तालमेल करके उसको रद्द करवा के और सरकार को रिव्यू के लिए लेटर दोबारा से सरकार को भेजा, वो लेटर लिख के चला गया है, बिल्कुल वो सरकार को भेज दिया गया। ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि भी रही है इस कार्यकाल में, जैसा हमारा तालमेल था या जो भी रहा, हमने इसको करवाने में प्रशासन से तालमेल से इसको करवाने में हमने सफलता भी हासिल की और ये हमारी बड़ी उपलब्धि भी रही है। और कर्मचारियों में एक खुशी का माहौल भी है जब हम रखते हैं रिव्यू के लिए, नहीं तो दूसरे साथी जो हमारे से पहले 3 साल तक लगातार प्रधान रहे हैं उन्होंने तो नई स्टाफ रेशो लिया के कर्मचारियों में 2-3 साल सत्ता हासिल की। सरकार तो देने के लिए तैयार थी नई स्टाफ रेशो, लेकिन हमारा मुद्दा प्राणी स्टाफ रेशो का था, वो साथी अपनी नासमझी के कारण उसके कारण वो नई स्टाफ रेशो लिया के और उसमें 2 साल और फालतू उन्होंने सत्ता हासिल की, लेकिन कर्मचारियों को और हमारे संगठन को बिल्कुल कमजोर किया। आज कर्मचारियों को इस टीम से, जो टीम आज कक्कड़ ग्रुप ने, चाहे उसमें प्रधान पद के लिए मेरे को, रविंदर तोमर को जनरल सेक्रेटरी के लिए, हमारे और पोलीराम जी हैं सीनियर उप प्रधान, और हमारे नरेश कुमार जी उप प्रधान हैं, और हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पे जयपाल सैनी जी हैं, प्रेस सेक्रेटरी पे मनीष बालदा जी हैं, और हमारे जो कैशियर पद पे हैं डॉक्टर अनिल कुमार बुक्कल हैं, बिल्कुल ये साथी यूनियनिस्ट, मतलब यूनियन की सोच रखने वाले, संगठन में आस्था रखने वाले साथी हैं, और कर्मचारी भी बिल्कुल हमें भरपूर इस चीज़ की उम्मीद से देख रहे हैं कि भी ये टीम है जो हमारे हक हमें दिलवा सकती है, जो हमारी पुरानी स्टाफ रेशो हमें वापस दिलवा सकती है, तो यही टीम है। दूसरा एक मुद्दा हो रहा है इसमें, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करना, एनपीएस को खत्म करके और पुरानी पेंशन स्कीम का भी हमें एजेंडे में अपना यह है, उसको लागू करवाएंगे। जो नई जनरेशन, जो नए साथी हमारे आए हैं वो एनपीएस पे हैं, चाहे वो चीजें पेंशन का कोई लाभ नहीं मिलेगा। एक हमारी उम्मीद, मतलब ये है कि हमारी सर्व कर्मचारी संघ से भी तालमेल में, जैसे रविंद्र हमारे जो महासचिव के उम्मीदवार हैं वो अपने डिस्ट्रिक्ट की बॉडी में महासचिव हैं सर्व कर्मचारी संघ में, और सर्व कर्मचारी संघ से हमारा तालमेल बराबर रहा है। और सबसे खुशी की बात एक ही होती है कि जब जब ये टीम जो शेयर ग्रुप है जब जब सत्ता में आया तो हमारे तालमेल सर्व कर्मचारी संघ से तालमेल मिले, और जो सरकार लेवल की डिमांडें होती हैं हम सर्व कर्मचारी संघ की जो स्टेट बॉडी होती है उससे तालमेल करके सरकार से बात करके हमने कई मुद्दे पीछे मतलब सुलझाए भी हैं, और आगे भी जो भी सर्व कर्मचारी संघ का जो एजेंडा है उसमें ये पुरानी स्टाफ रेशो का, पुरानी पेंशन स्कीम का, और जो आउटसोर्सिंग पे जो साथी लगे हैं उनका भी ये है कि भी जो आउटसोर्सिंग को खत्म करके रेगुलर भर्ती करवाए। जब तक रेगुलर भर्ती नहीं होती तो समान काम समान वेतन लागू करवाने का हमारा बिल्कुल प्रयास रहेगा। ये हमारी मतलब उपलब्धि भी रहेगी, और ये हमारी जो पेंडिंग लंबी समय से जो चलती आ रही है, हर साथी कहता है कि भी हम ये करवाएंगे, लेकिन हम एक सोच लेके ये चले हैं, सबसे पहले अपने संगठन की मजबूती, दूसरा हम कर्मचारियों के मान सम्मान के लिए जितना भी जो भी मैंने आपके सामने जो बातें रखी हैं बिल्कुल इन्हीं पे काम करेंगे। हम कोई राजनीति या कोई ऐसी कोई बात ही नहीं करेंगे जिससे कर्मचारियों को दुख हो। उनको एक मतलब ये इस टीम से एक विश्वास है और हम भी उस विश्वास पे खरा उतरना चाहते हैं, और परमात्मा से यही दुआ करेंगे कि भी हमें शक्ति दे और कर्मचारियों को विश्वास पे खरा उतरने पे सहायता मिले। तो चुनाव का शेड्यूल और टाइम क्या रहेगा और लगभग कितने मतदाता इसमें मतदान करेंगे? ये हमारा 16 मार्च 2021 को हमारे चुनाव की डेट फिक्स की गई है, और सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हमारी वोटिंग चलेगी इसमें जी, और
अगर हम मतदाताओं की बात करें इसमें राजेश जी, तो हमारे पास 1430 मतदाताओं के करीब हमारी जो लिस्ट अब तक तैयार है, और उसमें अगर कोई साथी किसी मतदाता का नाम रह जाता है तो वो भी उसमें जुड़ सकता है आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ कुंटिया। रविंदर जी, नीलगढ़ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक बात और राजेश जी आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जो मेन उपलब्धि की बात कही, प्रशासन से जो तालमेल की बात कही है, अब की बार हमें ये भी था कि किसी भी मीटिंग में जी, चाहे वो रिटायरमेंट पार्टी हो, चाहे हमारी हाउस अलॉटमेंट पार्टी मीटिंग हो, या हमारी जो वेलफेयर फंड की मीटिंग होती है उसमें, और जो भी हमारे जैसे पहले नोटिफिकेशन होता था कुंटिया प्रेसिडेंट के नाम, वो बीच में से तालमेल बिगड़ने के बाद वो बीच में नहीं था, लेकिन जब से हमने कार्यभार संभाला, प्रशासन से तालमेल किया, हमने उन समस्याओं से अभी जो नए कुलपति महोदय हमारे ज्वाइन किया है सचदेवा जी ने, उनके बिल्कुल तालमेल से उन्होंने समझा, हमारा रजिस्ट्रेशन जो कुंटिया का हुआ, हमारे से संविधान की कॉपी मांगी गई, उन्होंने ये कहा कि भी हाँ ठीक है, ये उन लीगल एडवाइस भी ली गई, जो हमारे वकील हैं सरकारी उनसे लीगल एडवाइस लेके उन्होंने भी बिल्कुल इस चीज़ को क्लियर किया, और आज हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, और हमारे संविधान का जो शेड्यूल है वो प्रशासन के पास है, उन्होंने बिल्कुल सहमति से जो हमारी पास्ट प्रैक्टिस, जैसे पहले हमारा कुंटिया प्रधान हर मीटिंग में हर उसमें बैठता था, उन्होंने बैठाना शुरू किया। सबसे पहले क्या था, हमारा स्थापना दिवस जो मनाया गया, कुंटिया को बिल्कुल एजेंडे में उसमें कुंटिया प्रेसिडेंट का नाम आया उसके नाम से, और दूसरा हमारी पूरी कार्यकारिणी को इनवाइट किया गया, वहाँ एक ग्रुप फोटो भी बनाई गई जी। तो जो वहाँ से हमारी शुरुआत कुलपति महोदय की बिल्कुल और उसमें जो हमारी रिटायरमेंट पार्टी है उसमें भी हमें इनवाइट किया गया, 26 फरवरी को रिटायरमेंट पार्टी थी, बिल्कुल प्रशासन की तरफ से हमें इनवाइट किया गया और वो भी हमने वो किया। दूसरा जो हमारी अब की बार आम सभा की मीटिंग हुई है उसके लिए प्रशासन ने हमें समय भी दिया और जगह भी दी, आर के सदन में हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग हुई है अब की बार चुनाव की, 2 साल के बाद बड़ा खुशी का माहौल था कर्मचारियों में, और 3.5 घंटे राजेश जी वो जनरल बॉडी की मीटिंग चली है। तो ये उपलब्धि मेन, जैसे हमें ये लगता है कि प्रशासन बिल्कुल कुंटिया को समझ रहा है और कुंटिया प्रशासन को समझ रही है तालमेल में, और जो भी होगा आने वाले समय में भी एक वादा और प्रशासन की तरफ से हुआ है, कुंटा और कुंटिया ये दो संगठन हैं जी, और कुलपति और कुल सचिव महोदय ने स्वस्थ किया है, जैसे कुंटा कार्य करती है ऐसी कुंटिया, जो हक कुंटा को मिलता है वही कुंटिया को मिलेगा, ये बिल्कुल स्वस्थ तौर पर हमें आश्वासन दिया है कुलपति महोदय ने। तो राजेश ग्रुप की ओर से क्या अपील करना चाहिए? राजेश जी, हम तो जैसा कि आपको पता ही कि 16 तारीख को हमारा चुनाव होने जा रहा है, और हम तो सभी कर्मचारियों से और सभी जो साथी हमारे सपोर्टर हैं उनसे यही अपील करना चाहेंगे कि जो 16 तारीख का जो मतदान है जी, वो संगठन की मजबूती के लिए मतदान है, और सभी साथियों से मेरी तो यही प्रार्थना रहेगी सभी कर्मचारी साथियों से कि वो 16 तारीख को शेर के निशान पर मोहर लगा के सुनील कक्कड़ के ग्रुप को विजयी बनाएं, ताकि जो समस्याएं हमारे कर्मचारियों की पेंडिंग पड़ी हैं, जो हमारे साथी जो कर्मचारियों की मांगे जो काफ़ी वर्षों से पेंडिंग पड़ी हैं, हमें अगर अवसर मिलता है तो हम उनको पूरा करवा पाएं। और मैं तो यही अपील करना चाहूँगा कि किसी भी बहकावे में हमारा कर्मचारी ना जाके सिर्फ कर्मचारी अपनी कुंटिया की एकता के लिए, मजबूती के लिए और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए वोटिंग करे, ताकि एक सशक्त और एक मजबूत संगठन उनको मिल सके। और हम तो सिर्फ यही वादा राजेश जी कर सकते हैं कि अगर हमारे को अवसर मिलता है, चाहे वो सर्व कर्मचारी संघ के माध्यम से जितनी हमारी राज्य स्तरीय मांगे हमारी पेंडिंग पड़ी है उनको पूरा करवाने का प्रयास किया जाएगा, और जो हमारी विश्वविद्यालय स्तर की जितनी मांगे हैं, क्योंकि आज विश्वविद्यालय हमारे जो प्रधान जी नीलकंठ शर्मा जी का और हमारी जिस टीम का प्रशासन के साथ जिस प्रकार से एक सकारात्मक माहौल पैदा हुआ है, उनसे मिलकर जितनी यहाँ की समस्याएं हैं उनको भी पूरा करवाया जाए, चाहे वो हमारे 4th क्लास के कर्मचारियों की हैं, चाहे हमारे SFS के साथियों की हैं, चाहे हमारे मिनिस्ट्रियल कैडर के साथियों की हैं, चाहे हमारे टेक्निकल कैडर के साथियों की हैं, और चाहे हमारे स्टैंडो साथियों की हैं, जितने भी हमारे कैडर हैं उन सबके साथियों की जो जायज मांगे हैं उनको पूरा करवाया जाए, एक सशक्त और एक प्रबल और एक मजबूत संगठन हमारे कर्मचारी को मिल सके, ताकि हमारा कर्मचारी गर्व से कह सके कि हम कुंटिया के सदस्य हैं, और जिस मुकाम पर कुंटिया पहले जानी जाती थी उसी मुकाम पर कुंटिया को आगे जाना चाहिए। चलिए जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, धन्यवाद 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 सर, आपका यहाँ पर धन्यवाद।